राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। दासी का आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए खुश रहिए। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम पर कोई विपत्ति आती है तो हमें अपने गुरु को याद करना चाहिए या भगवान को? क्या आते हैं? जब हम पर कोई विपत्ति परेशानी आती है तो हमें गुरु को याद करना चाहिए भगवान को? गुरु जी ने जो मंत्र दे रखा है उस मंत्र का जाप करिए, अपने इष्ट को याद करिए, भगवान को याद करिए। भगवान को याद कर लिया तो सबको याद कर लिया भगवान को। और मेरी चाची जी बोलती हैं कि अपने गुरु के दर्शन रोज रोज नहीं करने चाहिए, क्या सच में नहीं करने चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए चाची महारानी से पूछ लेना हमारी तरफ से। नहीं, मैंने उनसे कहा था कि क्यों नहीं करने चाहिए, तो वो बोलती हैं कि पहले अपने गुरुजी से पूछना तब मैं बताऊंगी। पूछ लेना भाई, संत शास्त्र कहते हैं कि संत मिलन को जाइए दिन में दो दो बार। संत मिलन को जाइए दिन में दो दो बार। संतों का, गुरु चरणों का, गुरुजनों का जितनी बार दर्शन हो उतना लाभकारी है, उतना अच्छा। सुना है कि भगवान की भक्ति और उनसे प्रेम करना सिर्फ पैसे वालों का मतलब काम है, गरीब का नहीं, ऐसा है? भाई भगवान से तो प्रेम शबरी ने किया था, कौन सी पैसे वाली थी? भगवान से प्रेम केवट ने किया था, कौन से पैसे वाले थे? भगवान से प्रेम कोई भी कर सकता है, सबने किया, भगवान ने सबको फल भी दिया। निषाद राज कौन से पैसे वाले थे? शबरी कौन सी पैसे वाली थी? सब पर। रावण का भाई विभीषण कौन सा पैसे वाला था? लात मार के निकाल दिया था रावण ने, पर भगवान ने कृपा की ना। कितना बदनाम करते हैं ना लोग भगवान को, देख लो, भगवान को भी नहीं छोड़ती है समाज। जी गुरु जी, हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारी बोर्ड की परीक्षाएं हैं, हम उसमें सफल हो। बिल्कुल, मन लगा के पढ़ना, खुश रहो। राधे राधे गुरु जी। जी हम नेपाल से हैं। हाँ। और मेरे लड़का वहाँ लाइव देख रहा है आपका, बोल रहा है मैं गुरुजी से क्या बोलते हैं जनेऊ लगाऊंगा और जगह नहीं लगाऊंगा बोल रहा है गुरुजी। तो ले आना, हाँ। जब तो करवा देंगे जनेऊ। और उसको राधे राधे बोल दीजिए विष्णु को। खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। हाँ बेटा, मेरा प्रश्न है, मेरे यहाँ पर दो लड्डू गोपाल जी है जो उन्हें मैं स्नान कराते टाइम एक मेरे हाथ से खंडित हो चुके हैं, फिर उनकी एक आंख निकल चुकी है, तो मैं क्या करूं? तो वृंदावन ले आना, आंख लग जाएगी। आंख से खंडित नहीं होते, यदि आंख गिर गई है तो आंख लग जाएगी। मेरे दो बच्चे भी हैं, मैंने एक ही सिर्फ, हमने तीनों माँ बेटे ने मतलब कल ही गुरु मंत्र लिया है, और वो मेरा बड़ा वाला लड़का सुनता नहीं है और पढ़ाई भी नहीं करते है दोनों। करेंगे कहाँ, बैठे हैं ये, यहीं पे बैठे बेटा, पढ़ना है, मन लगा कर खूब नाम कमाओ। दो भैया को माइक।